जब भी प्राचीन भारत के तीर्थों का उल्लेख होता है तब उसमें सर्वप्रथम अयोध्या का ही नाम आता है। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या की संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने को लेकर अयोध्या महोत्सव की मुहिम जारी है। इस विशाल महोत्सव में ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी द्वारा सुराज्य से राम राज्य की ओर विषय पर सत्संग हुआ। इस कार्यक्रम में रसिक पीठाधीश्वर जन्मेजय शरण जी महाराज, सत्संग में वामन मंदिर के महंत वैदेही वल्लभ शरण जी महाराज समेत अयोध्या के महंतों का आना हुआ। बीके उषा ने कहा कि यदि राम राज्य की स्थापना में सहयोग करना है तो हमें त्याग, तपस्या, स्नेह के साथ सकारात्मकता को ध्यान रखना होगा। जैसे दुनिया में कहा जाता है कि हीरा कहाँ मिलता है, कोयले की आग में मिलता है, लेकिन जो हीरा ढूंढने जाता है वो कोयले के कालेपन को नहीं देखता, उसकी नजर उस चमक पर रहती है कहाँ से वो चमक आ रही है, और तब वो हीरे को निकाल सकता। कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति अगर कोयले की खान में चला जाए उसको वो चमक नजर नहीं आती, वो कहेगा ये तो कोयला ही कोयला है, कोयला ही कोयला, काला ही काला। लेकिन जो हीरा ढूंढने जाता है वो उस कोयले में भी उस चमक को देख करके उसको निकालता है। ठीक इसी तरह अगर राम राज्य को लाना है तो कई नेगेटिव बातें आएंगी, लेकिन उसमें भी अगर पॉजिटिव को ढूंढ करके निकालेंगे, पॉजिटिव को अपनाएंगे, तो किस तरह से हम परिवर्तन लोगों की मानसिकता को भी परिवर्तन सहजता से कर सकते हैं। अगर नेगेटिव देखना शुरू किया तो गुस्सा भी आएगा, चिड़चिड़ापन भी आएगा, अनेक प्रकार से हमारा ईगो टकराएगा, और तब राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। इसीलिए कहा कि व्यवहारिक कुशलता जो श्री राम के अंदर थी, वो व्यवहारिक कुशलता ये सद्गुणों के कारण, जिस सद्गुणों के कारण ही वो इतना सुंदर असुर मुक्त ये सृष्टि कर सके। आज हम सबको भी यही संकल्पबद्ध होने की आवश्यकता है कि हम भी चाहे कोई कितना भी नेगेटिव करे, लेकिन उसके नेगेटिव करने के पीछे क्या मंशा है, क्या चाहना है, उसको समझते हुए एक पॉजिटिव ऊर्जा के आधार से उसको परिवर्तन कर। और जब ऐसा परिवर्तन इस समाज के अंदर हम ले आएंगे तब सचमुच राम राज्य क्योंकि। ब्यूरो रिपोर्ट, पीस न्यूज़।